फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी और उसके साथ गर्मा गर्म कचौरियाँ और पूड़ियाँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस सिंपल तरीके से ये कद्दू की सब्जी ट्राई करिएगा, बहुत ही एक अलग ही मिठास रहती है सब्जी में, और फिर गर्मा गर्म कचौरियों के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आइए चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कद्दू को कट कर लिया है, और इधर मैंने एक बड़ा सा प्याज कट किया है, और लहसुन बारीक कट किया है, और हरी मिर्च, और इधर मैंने दो उड़द दाल की बड़ी ले ली हूँ, और इधर पंचफोड़न ली हूँ। और चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पे पहले से ही कढ़ाई चढ़ा दिया था, उसमें तेल भी डाल दिया था। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे पंचफोड़न और बड़ी अपना, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और फिर डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च, और थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर प्याज डालकर गोल्डन फ्राई करेंगे प्याज को, फिर इसमें अपना कद्दू डालकर थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से अगर आप सब्ज़ी बनाएंगी तो बहुत ही अलग ही मीठापन रखता है सब्ज़ी में, जो कि कचौरी के साथ आप खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, थोड़ा सा फिर हमारा फ्राई हो गया था प्याज, तो फिर इसमें मैं डाल दे रही हूँ अपना कद्दू। कद्दू को कोहड़ा भी बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको कोहड़ा और कद्दू दोनों बोलते हैं, और आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये हमारे यूपी की जान है। ये देखिए, हमारा हल्दी पाउडर भी पड़ डल गया, और टेस्ट के अनुसार नमक, और इसको थोड़ी देर चला के फिर मैं ढक कर पकाऊँगी। बहुत ही जल्दी पक जाता है कद्दू का सब्जी। और फिर अपनी आटा इधर मैं लगा लेती हूँ, और उसके बाद गर्मा गर्म, जैसे ही सब्ज़ी हमारी पक कर रेडी हो जाएगी, फिर मैं गर्मा गर्म कचौरियाँ और पूड़ियाँ तलूँगी। आपको हमारा वीडियो, चाहे वो खाने का वीडियो हो, चाहे मेरा शॉर्ट्स वीडियो हो, भजन का वीडियो हो, कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो ये देखिए, मैंने सब्ज़ी सोचा चेक कर लूँ, 10 मिनट हो गए थे, अब करीब करीब हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। एक बार मैं फिर ढक दूंगी 5 मिनट के लिए, फिर मेरी सब्ज़ी एकदम बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई। थोड़ा सा इसको चला देंगे कलछी से, और चला कर फिर एक ढक कर एक तरफ रख देंगे, फिर चलेंगे अपना गर्मा गर्म कचौरियाँ और पूड़ियाँ तलेंगे, क्योंकि बच्चे थोड़ा कचौड़ी कम पसंद करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले मैं पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर कचौड़ियाँ निकालूँगी। ये देखिए, हमारी पूड़ी गर्मा गर्म, मैं जो भी पूड़ी या जो भी पकौड़ियाँ कुछ भी तलते हैं, सरसों के तेल में ही तलते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में एक अलग ही टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये घर का तेल है हमारा सरसों का। तो ये देखिए, मेरी थाली रेडी हो गई, कद्दू की सब्जी, गर्मा गर्म पूड़ी कचौरी और पापड़ साथ में आम का अचार। तो हमारा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।